मेरा नाम माजिद है। हम लोग के घर के पास बहुत दिनों से बच्चे बैठ रहे थे उनको चबूतरे पे नहीं बैठने के लिए कई बार इन्फॉर्म करे, पूरे टर्मिन इंजेक्शन के, वाइटनर के, गांजा पी रहे हैं, हुक्का पी रहे हैं, ऑटो में बैठ जा रहे हैं, और उधर सीसीटीवी फुटेज कैमरा भी है, ऑलरेडी सीसीटीवी फुटेज है, तो ऑलरेडी कंप्लेन करे कई बार उन लोग को, इधर नहीं बैठने के लिए बोले फिर भी बैठे। आज उनको हम लोग आराम से बोले देखो हमारे को कुछ करना नहीं है, आप लोग नहीं बैठो, तो वो लोग सुने नहीं है, वो उठ के शाउटिंग बैड वर्ड यूज़ करना शुरू करे, तो उस वजह से हम थोड़ा सा पुश करें तो उनके पास जंबिया ऑलरेडी है, क्या है पता नहीं, गाड़ी में रखे हुए वो लेके आके जंबिया सीधा भाई की गर्दन पे मार दिया। वो भाई इधर पलटे हुआ था, उसको मालूम नहीं हुआ। तो आपसे कितने जने थे? 8 से 10 जने थे, उसमें A1 में अब्दुल्ला है और अजहर भाई है और आतिफ है और अननोन पर्सन है। ये सब 8 से 10 जने मिल के अटैक करे। हम लोग घर के पास ही ठहरे थे, ऑलरेडी मेरे घर में आज फंक्शन था, हम लोग घर पे ही ठहरे हुए थे, हम उनको जाके बोल दिए तो उन्हें चला गया सुकून से, उन्हें फ़ोन करके फिर सबको बुला लिया। कितने जने जख्मी आपको? अभी जख्मी मेरा भाई है, मैं हूँ और मेरे चाचा है और मेरे दो कज़न्स है। टोटल 5 मेंबर्स है। 5 टू 6 मेंबर्स। शेख मुजीब बाहर से है? जी हाँ। कंप्लेंट? हाँ कंप्लेंट हम लोग रैन बाजार PS में कंप्लेंट कर दी है ऑलरेडी। अमाननगर A में हम लोग, अमाननगर A सोमनाथ टेम्पल नियर। तेलंगाना पुलिस से एक रिक्वेस्ट है कि तो आप जो प्रोग्राम कर रहे हैं ड्रग्स फ्री, वो सब वेस्ट है। चबूतरा मिशन करे वेस्ट हो गया, ड्रग्स फ्री मिशन कर रहे हैं सब वेस्ट है। फिर इन लोग को कैसा मेडिसिन मिल रहा है मेडिकल हॉल से? अब विदाउट प्रिकॉशंस डॉक्टर के, विदाउट राइटिंग के कैसा मेडिकल हॉल वाले दे रहे हैं जो इंजेक्शन ऐसा, ये सब बंद करना चाहिए। तेलंगाना पुलिस को एक्शन लेना चाहिए और स्ट्रिक्ट होना चाहिए, खास करके हैदराबाद की पुलिस को और स्ट्रिक्ट होना चाहिए कि ये लोग जो ड्रग्स ले रहे हैं, ये लोग को वाइटनर जो मिल रहा, ये सब कहाँ से मिल रहा, विदाउट डॉक्टर्स राइटिंग के, विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के कैसा राइट दे रहे हैं सब, ये मेडिकल हॉल वाले कैसा दे रहे हैं? मेडिकल हॉल वालों को आप टाइट करेंगे तो ये आगे नहीं होगा। और मेरा भाई कोई ऐसा फाइट नहीं करे, वो तो वेकेशन पे आया था, ऑलरेडी उसका वेकेशन खलास है, उसको 24th को जाना था। अभी ऐसा केसेस हो जाएगा तो फिर हैदराबाद एक क्रिमिनल फ्री होने का बदल क्रिमिनल हो जाएगा। और कोई ड्रग्स प्रोग्राम फेल है, पूरा ड्रग्स प्रोग्राम फेल है हैदराबाद का। आप जो चबूतरा मिशन करे फेल हो गया, कुछ भी मिशन नहीं हो गया, सिर्फ रोड पे बाहर मिशन है और कुछ भी गली में कोई मिशन नहीं है। जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे, जब तक हैदराबाद सेफ नहीं रहेगा।